सीवान एमएलसी चुनाव में शहाबुद्दीन के करीबी की एंट्री, मनोज सिंह को एनडीए से टिकट की चर्चा, बीजेपी के पूर्व एमपी विरोध पर उतरे पहले। सीवान में एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से पूर्व एमएलसी मनोज सिंह या उनकी पत्नी के नाम की चर्चा हो रही है। अब इस पर विवाद भी हो गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने खुलेआम पार्टी को चेतावनी दे दी है। उन्होंने मनोज सिंह को अपराधी बताया है। कहा है कि दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के साथ रहकर मनोज सिंह ने कई हत्याएं करवाई है। वह शहाबुद्दीन के साथ AK-47 लेकर चलते थे। ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि जसौली के हरिशंकर सिंह हत्याकांड में मनोज सिंह बहुत जल्द सजा होने वाली है। इसे लेकर अब वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन हम इसका विरोध करेंगे। बीजेपी अपराधियों की पार्टी नहीं है। लगातार 3 चुनाव लड़ चुके हैं मनोज सिंह, हर बार हारे। मनोज सिंह सीवान के पूर्व एमएलसी व बीजेपी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी LJP-R में है। वो राजद के समय में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का दाहिना हाथ माने जाते थे। राजद के शासन में ही मनोज सिंह के भाई मृत्युंजय सिंह की हत्या हो गई। इसके बाद मनोज सिंह ने शहाबुद्दीन का विरोध करना शुरू कर दिया। मनोज सिंह कई बार दल बदल कर साल 2014 का लोकसभा चुनाव JDU की टिकट पर, साल 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव BJP की टिकट पर, जबकि 2020 का विधानसभा चुनाव लोजपा की टिकट पर लड़ चुके हैं। लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। रईस खान के पक्ष में है JDU खेमा। सीवान में खान ब्रदर्स के रईस खान भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। उनके पक्ष में NDA के सहयोगी दल JDU के अधिकांश नेता खड़े हुए हैं। CM नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले बढ़हरिया से पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह तो लगातार रईस खान को MLC बनाने का दावा कर रहे हैं। रईस खान इन दिनों कई कार्यक्रमों में JDU नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। मनोज सिंह आएंगे तो दिलचस्प होगी लड़ाई। अगर सीवान के MLC के चुनावों में मनोज सिंह सामने आते हैं तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। राजद ने यहां से विनोद जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। उनके लिए सीवान में राजद का पूरा कुनबा जी जान से लगा हुआ है। दूसरी तरफ रईस खान ने निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक दिया है। खास बात है कि उनके साथ जदयू के कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में रईस खान की दावेदारी मजबूत दिख सकती है। NDA ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिला में BJP की कोर कमेटी ने पार्टी के पुराने नेता नीरज तिवारी के नाम का प्रस्ताव हाईकमान को भेजा है। इस पर मंथन चल रहा है।